इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है टाइटन ग्रह को दिखाते हुए, जो कि नेपच्यून प्लैनेट का एक चांद होता है। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला था कि ये टाइटन ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह रहने लायक है, इसलिए सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सभी इंसान यहाँ पर आकर अपनी बस्ती बसा रहे थे। वैज्ञानिकों ने तो टाइटन ग्रह पर एक बहुत ही बड़ा बेस बना लिया था, जिसके अंदर वो अपनी रिसर्च करते और सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पृथ्वी पर मौजूद है वहाँ ट्रांसफर करते। अब हमें उसी बेस कैंप की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स काफी डरे हुए थे। वो तो किसी अनजान चीज से अपने पूरे बेस को कवर कर रहे होते हैं, जिससे कि वो उनके ऊपर हमला ना कर सके। अब वो अनजान चीज कौन थी और कैसी थी, ये तो उन सोल्जर्स के मुंह पर डर साफ साफ झलक रहा था। उन सोल्जर्स के बीच में सारे वैज्ञानिक मौजूद थे, जिनकी प्रोटेक्शन उन्हें किसी भी हालत में करनी थी। लेकिन अब थोड़ी देर में ही पता चला कि उस बेस कैंप के बाहर जितने भी सोल्जर्स मौजूद होते हैं, उसे किसी अनजान चीज ने जान से मार दिया। और अब वही अनजान चीज दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। उसके लिए तो लोहे के दरवाजे बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उसे पिघलाकर अंदर घुस जाता है। हालांकि सारे सोल्जर्स उसे देखते ही लगातार फायर करते रहते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि एक भी गोली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। तब जाकर थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक रोबोट है, जो कि उन सभी को मारने के लिए यहाँ पर आया है। सोल्जर द्वारा उस रोबोट पर किया गया हर वार एकदम से नाकामयाब हो जा रहा था, लेकिन अब उस AI रोबोट ने सोल्जर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो सामने आने वाले कितने भी सोल्जर्स को जान से ही मार देता है। उस रोबोट ने तो एक ही बार में पूरी टीम को ही खत्म कर दिया, जो कि सोल्जर्स की बेस्ट टीम होती है। यानी कि कोई नॉर्मल इंसान इस रोबोट का मुकाबला कर ही नहीं सकता। अब सारे सोल्जर्स को मारने के बाद वो रोबोट डेविड नाम के एक लीडर के पास जाता है, लेकिन डेविड तो एक कोने में जाकर छुप गया था। लेकिन वो रोबोट डेविड को चोट पहुंचाता, इससे पहले जेम्स नाम के एक आदमी ने रिमोट का बटन दबा दिया, जिससे कि वो रोबोट एकदम रुक जाता है। यानी कि वो जेम्स ही था जो शुरुआत से इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। अब जेम्स अपने लीडर डेविड के पास आकर उसे बताता है कि ये मेरा ही रोबोट है और मैंने ही इसकी प्रोग्रामिंग की है और इसे बनाया है। जेम्स बता रहा था कि मैं सिर्फ आपको इसका डेमोंस्ट्रेशन कराने के लिए इतने सारे सोल्जर्स को मार गिराया हूं, और ये रोबोट इससे भी बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यहाँ डेविड को जेम्स के ऊपर गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। डेविड तो इस रोबोट की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। डेविड तो अब जेम्स से बिजनेस पर्पस से पूछने लगा कि तुम्हारे पास ऐसे कितने रोबोट्स हैं। तब जाकर जेम्स बताता है कि मेरे पास इनकी पूरी आर्मी खड़ी हुई है जो आपके ही प्रोग्राम्स मानेगी। यानी कि मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग इनके अंदर इंक्लूड कर दी है जो आपकी बात मानेंगे और आप जैसा बोलोगे वही करेंगे। डेविड के मन में तो बहुत कुछ चल रहा होता है और उसने सोच लिया था कि वो इन्हीं सारे रोबोट्स की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। और डेविड के डार्क माइंड में तो बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। लेकिन अब अचानक डेविड ने उस रोबोट को कमांड दिया कि तुम जेम्स को जान से मार दो, जिससे कि वो रोबोट जेम्स को खत्म कर देता है। यानी कि जेम्स जो इन सारे रोबोट्स का क्रिएटर होता है, उसे ही अब खत्म कर दिया गया था, क्योंकि डेविड चाहने लगा था कि ये सारे रोबोट्स मेरे इशारों पर काम करें और पूरी तरीके से मैं इनके ऊपर कंट्रोल करूं। उसकी भावनाएं साफ साफ झलक रही थी कि वो किस तरीके की तबाही मचाने वाला है। अब हमें दूसरी तरफ जॉन नाम का एक ड्राइवर दिखाया जाता है, जो कि कई सारे जानवरों को पृथ्वी से टाइटन ग्रह पर ट्रांसफर किया करता था। उसके पास बहुत सारे डीलर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि वो इन्हें टाइटन पर ट्रांसफर करके काफी सारे पैसे कमाता था। जॉन इसी तरीके से एक डीलर के लिए कई सारे जानवर लेकर जाता है टाइटन ग्रह के ऊपर। लगातार अपना सफर तय करने के बाद वो टाइटन प्लैनेट पर पहुंच तो गया था, तभी उसके सामने एलेक्स और उसके सभी लोग आते हैं, जो कि उनके डीलर थे और उन्होंने ही जानवरों को खरीदने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब जॉन को पता चला कि एलेक्स पूरे पैसे नहीं दे रहा है, उसने हर एक जानवर के बहुत ही कम रेट लगाए हैं, जो एकदम मार्केट प्राइस से बिलो है। इसीलिए जॉन एलेक्स को कहने लगा कि तुम मुझे सारे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जानवर नहीं दूंगा। एलेक्स और उसके साथी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए अब उसका एक मेंबर बाहर निकलकर जॉन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जॉन के पास इन सारे बदमाशों से लड़ने की काफी अच्छी टेक्निक है। जॉन तुरंत ही उस आदमी के वार से बचता है और एक बहुत ही जोरदार पंच उसके मुंह पर मार देता है। एलेक्स का वो साथी तो एकदम दूर चला गया था और उसके मुंह के तो सारे दांत टूट चुके होते हैं। एलेक्स को तो अब जॉन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि वो एक नॉर्मल ड्राइवर है, फिर भी उसके अंदर कितना एटीट्यूड है और वो मेरे लोगों पर हाथ उठा रहा है। लेकिन फिलहाल कंडीशन देखकर एलेक्स का दूसरा साथी उसे लेकर चले जाता है। जॉन तो पूरी तरीके से तैयार था एलेक्स से फाइट करने के लिए, लेकिन एलेक्स और उसका बचा हुआ एक साथी वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन एलेक्स ने जॉन को धमकी देते हुए कहा कि मैं आगे चलकर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। जॉन तो डायरेक्टली उसे कह देता है कि चल निकल। अब
हमें यहाँ पर दिखाया गया कि जॉन डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए सिंडी नाम की एक वेट्रेस के पास आ जाता है। दरअसल शुरुआत से ही जॉन सिंडी को काफी ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन उसने कभी सामने से बताया नहीं। जब भी जॉन को मौका मिलता वो सिंडी से मिलने चला जाता, लेकिन अब की बार जॉन ने देखा कि माइक नाम का एक आदमी सिंडी से लगातार बातें कर रहा है, क्योंकि माइक तो अब सिंडी का रेगुलर कस्टमर बन चुका था। ये बातें जॉन को बहुत ही गुस्सा दिलाती हैं और वो माइक को कहने लगा था कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जाकर माइक कहता है कि मैं यहाँ जॉब की तलाश में आया हूँ और मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। माइक तो तुरंत ही अपने सारे खाने के सामान लेकर वहाँ से निकल गया था। अब यहाँ जॉन सिंडी से बहुत सारी बातें करने लगता है कि तुम्हारा दिन कैसा था और तुम अच्छी हो कि नहीं। तब जाकर सिंडी थोड़ा सा उदास होकर जॉन को बताती है कि अर्थ पर मेरी मदर है वो काफी ज्यादा बीमार थी, हालांकि काफी सारे मेडिसिन के बाद वो ठीक तो हो चुकी है, लेकिन मुझे एक बार अर्थ पर जाकर उनसे मिलना है और ये मेरी बहुत पहले से ख्वाहिश है। जॉन अब सिंडी की मजबूरी को समझ रहा था, इसीलिए वो कहता है कि मैं अर्थ पर पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जॉन ने सिंडी से एक वादा कराया कि पृथ्वी पर जाने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। अब सिंडी बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस बात के लिए आखिरकार मान ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें माइक को दिखाया गया जो कि एलेक्स की केबिन में चले जाता है क्योंकि उसे जॉब की सख्त जरूरत थी। एलेक्स को जॉन के ऊपर पहले से ही गुस्सा था और वो अपना बदला भी लेना चाहता है, इसीलिए अब एलेक्स ने माइक को वो ड्राइवर की जॉब ऑफर की जिस पोस्ट के ऊपर जॉन काम किया करता था। माइक को तो सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए थी जिससे कि वो पैसे कमा सके, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे एलेक्स की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। अब थोड़ी देर के अंदर ही जब ये सारी बातें जॉन को पता चलती हैं, तो वो माइक के पास आकर उससे गुस्सा होने लगा कि उसने उसकी जॉब क्यों ली, क्योंकि वही जॉन के पास एक आखिरी जॉब थी। पर माइक कहने लगा कि एलेक्स ने मुझे ये ऑफर किया और कहा कि तुमने रिजाइन कर दिया है, जिसके बाद ही मैंने ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है, लेकिन जॉन ने बताया कि मैंने इस तरीके का कोई डिजाइन किया ही नहीं है। अब तो उतने सारे भीड़ के बीच में एलेक्स अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है जो कि जॉन को मारने लगा था, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अपना बदला जो लेना होता है। लेकिन इतने लोगों को भी सामने देखकर जॉन किसी से डरता नहीं। उसने फिर से उन सभी के वार से बचते हुए अपना पलटवार चालू कर दिया, जिससे कि एलेक्स के आदमियों को चोट पहुंचते जाती है। पर अब तो एलेक्स के कई सारे सोल्जर्स उनके ऊपर फायर करने लगे थे। यही देखते हुए अब माइक भी उनके बीच में आ जाता है जो जॉन की मदद कर रहा था, क्योंकि माइक एक नॉर्मल और अच्छा लड़का होता है जो कि जॉन की मदद करना चाहता था। जैसे कि ये बात पता थी कि जॉन एक अच्छा आदमी है और वहीं एलेक्स उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए माइक अब जॉन की मदद कर रहा था उससे लड़ाई करने के लिए। लेकिन अब एलेक्स का एक साथी गोली चला देता है जो कि डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए स्पेसशिप के ग्लास पर लग गई थी। वो ग्लास पूरी तरीके से टूटने की वजह से अब हवा बाहर चले जाने लगी थी क्योंकि स्पेस उसका सक्शन कर रहा था। देखते ही देखते सारे सामान खिड़की से बाहर होते हुए दूर कहीं अंतरिक्ष में जाने लगते हैं। एलेक्स भी उस ओपनिंग के पास में ही खड़ा था, इसीलिए वो भी खींचा चला जाता है। देखते ही देखते वो हवा एलेक्स को इतना ज्यादा सक कर रही थी कि वो अगले ही मोमेंट में खिड़की के माध्यम से दूर कहीं अंतरिक्ष में चला गया। इसीलिए अब जल्द से जल्द उस जगह पे पुलिस आ जाती है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी। अगर पुलिस वालों को अपराधियों का पता चल गया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। इसीलिए जॉन, माइक और सिंडी अपनी जान बचाकर एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर एक लीडर बैठा हुआ था। वो जगह तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रही होती है और जॉन को पता था कि इस सिचुएशन में ये लीडर ही उनकी मदद कर सकता है। जॉन ने तो सिंपली उस लीडर को बता दिया कि हमें किसी भी तरीके से पृथ्वी पर सही सलामत जाना है। वो लीडर तो जॉन और उसके दोस्तों को बताने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, क्योंकि टाइटन प्लैनेट से हमें बहुत ही सारे कंटेनर्स पृथ्वी पर ट्रांसफर करने हैं, और अगर तुम सभी उस कंटेनर को पृथ्वी पर ट्रांसफर कर दोगे तो तुम भी पृथ्वी पर जा सकते हो। लेकिन वो लीडर बताता है कि इसमें एक शर्त थी कि तुम्हें कंटेनर खोल के देखने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जॉन, सिंडी और माइक को कैसे भी पृथ्वी पर पहुंचना था, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बात ये थी कि उस कंटेनर में और कुछ नहीं बल्कि डेविड द्वारा ट्रांसफर किए जाने वाले वही 1000 रोबोट्स थे जिसने की शुरुआत में इतनी ज्यादा तबाही मचाई होती है। वो तो उन्हें अर्थ पर ट्रांसफर करके अपनी हुकूमत करना चाहता था, लेकिन ये बातें जॉन और उसके साथियों को कहां पता है। अब जॉन, सिंडी और माइक बहुत ही ज्यादा खुश होकर एक स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और स्पेसशिप को उन सारे कंटेनर से कनेक्ट कर दिया गया था, यानी कि जैसे स्पेसशिप चलेगी कंटेनर भी उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे, और उनका मेन डेस्टिनेशन था अर्थ, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई घंटों का सफर तय करना होगा। जॉन एक अच्छा ड्राइवर होता है, इसीलिए वही स्पेसशिप को उड़ा रहा था और सारे कंटेनर्स को कंट्रोल कर रहा था। अब वो तीनों सारे कंटेनर्स को लेकर लगातार आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ स्पेसशिप मौजूद होती है कस्टम्स की, जो चेक करने आ रहे थे कि उनके कंटेनर्स में क्या मौजूद है। अब यहाँ जॉन को पता था कि डीलर ने कहा था कि कंटेनर्स के अंदर नहीं देखना है,
इसीलिए वो कस्टम्स की स्पेसशिप से बहुत दूर जाने लगा। हालांकि फिर भी कस्टम्स वाले अपनी स्पेसशिप फुल स्पीड में भगाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि जॉन के पास बहुत सारे स्किल्स मौजूद है ड्राइविंग के। उन्हीं सारे स्किल्स का यूज करते हुए जॉन ने उन दोनों को चकमा दे दिया और कस्टम वालों को काफी पीछे छोड़कर अपने कंटेनर्स को लेके आगे बढ़ गया। सिंडी तो इस बात के लिए जॉन का काफी तारीफ भी कर रही थी, जिससे कि जॉन शर्मा रहा था। लेकिन शायद उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं करती, क्योंकि जब वो कस्टम वालों को पार करके दूसरी तरफ गए थे तो उनके सामने कई बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। ये एस्टेरॉइड्स इतने भारी मात्रा में थे कि जॉन को भी ये पार करना काफी मुश्किल होगा। दरअसल बात ये थी कि अगर सिंगल स्पेसशिप रहती तो जॉन उसे आराम से निकाल लेता, लेकिन उस स्पेसशिप के साथ कई सारे कंटेनर्स जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जॉन प्रॉपरली उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जैसे ही एस्टेरॉइड्स के बीच में बचते हुए आगे बढ़ता है, तभी कई सारे एस्टेरॉइड उसके स्पेसशिप और कंटेनर से टकराने लगे थे। इससे उनकी स्पेसशिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और अब तो राइट वाला इंजन भी काम करना बंद कर दे रहा था। स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम में ब्लास्ट हुआ और उन सभी ने काम करना बंद कर दिया था। साथ ही साथ स्पेसशिप का कूलिंग टेम्परेचर भी एकदम खराब हो जाता है, जिससे कि वहाँ गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। और अब तो उन सभी को कई घंटों का सफर तय करना है पृथ्वी तक पहुँचने के लिए। लेकिन जॉन ने अंदाजा लगाया कि अगर इन सारी चीजों को जल्द से जल्द नहीं ठीक किया गया तो हम 2 घंटे के अंदर ही घुट घुट कर मर जाएंगे। यहाँ जॉन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए उसने अपना स्पेस सूट पहना और तुरंत ही निकल गया उन सारी चीजों की मेंटेनेंस करने के लिए। जॉन तुरंत ही उस सेकेंडरी इंजन के पास पहुँच जाता है जो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वो तो लगातार कंटेनर्स की उन गलतियों को ठीक कर रहा होता है, तभी अचानक कंटेनर के अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है। दरअसल वो कंटेनर का सिक्योरिटी सिस्टम था जो जॉन को एक खतरा मान रहा होता है। उसने तुरंत ही जॉन के ऊपर फायर कर दिया, पर जॉन उससे कैसे भी बच जाता है। जॉन समझ चुका था कि ये कंटेनर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी से लैस है, जिसके अंदर जरूर कोई ऐसी अनोखी चीज होगी, इसीलिए इतनी सिक्योरिटी बनाई गई है। जॉन का काम नहीं हो पाता, इसीलिए वो वापस सिंडी और माइक के पास उदास होकर लौट जाता है। उन खतरनाक लेजर बीम्स ने तो जॉन के स्पेस सूट को भी खराब कर दिया था और अब उनके पास ज्यादा स्पेस सूट बचे भी नहीं है, यानी कि अब उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिन्हें कि जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पृथ्वी पर जाने के बजाय बी स्पेस में ही अपना दम तोड़ देंगे। अब तो इन सारी बातों से जॉन, माइक और सिंडी अपनी पूरी होप हार चुके थे। उन्हें तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं था कि वो यहां से बचकर बाहर भी निकलेंगे। लेकिन तभी अचानक हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई जाती है जो किसी पायरेट्स के जहाज जैसी लग रही थी। वो पायरेट्स की स्पेसशिप तुरंत ही उस छोटे से जॉन की स्पेसशिप की तरफ बढ़ते रहती है और उस स्पेसशिप को कंटेनर्स के साथ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। पायरेट स्पेसशिप के सारे सोल्जर्स अब जल्द से जल्द जॉन की स्पेसशिप में घुसकर उन तीनों को बाहर निकाल रहे थे और अब उन सभी ने जॉन, माइक और सिंडी को पूरी तरीके से बंदी बना लिया होता है। तभी हमें कुछ ही देर में वहाँ जेम्स दिखाया गया जो रियलिटी में मरा नहीं होता। दरअसल जब लास्ट टाइम डेविड ने रोबोट्स की मदद से जेम्स के ऊपर हमला कराया था तो जॉन उससे कैसे भी बच गया होता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी एक तरीके से जल चुकी थी। ये देखते हुए सारे पायरेट ने उसकी मदद की और जेम्स के बॉडी को कई सारे रोबोटिक पार्ट से जोड़कर उसे वापस जिंदा कर दिया। जेम्स अब अपने सभी आदमियों से कहता है कि इस चेंबर को ओपन करो, जिससे कि हम पता लगा सके कि इसमें क्या है। अब यहाँ जेम्स के कई सारे सिपाही उस कंटेनर को ओपन करने लग जाते हैं अपने एडवांस वेपन्स की मदद से। लेकिन जैसे उस कंटेनर के सिक्योरिटी सिस्टम को पता चला कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तभी वहां से लेजर लाइट निकलना स्टार्ट हो गई जो उन सभी पर हमला करने लग जाती है। जेम्स के कई साथी मारे जाते हैं। उन्होंने भी अपनी मिसाइल्स निकाली और वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। जेम्स के आदेश देने पर वो सब लगातार लग गए उस कंटेनर को तोड़ने के लिए और अब कुछ ही देर में ही वो कंटेनर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर जाते ही जेम्स ने देखा कि यहाँ पर तो वही सारे रोबोट्स रखे हुए हैं जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए थे, और ये तो जेम्स द्वारा बनाए गए रोबोट्स होते हैं जिन्हें की डेविड ने हथिया लिया था और वो शायद इसे पृथ्वी पर इलीगली ट्रांसफर कर रहा होगा। जेम्स को डेविड के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उससे अपना बदला जरूर लेकर रहेगा। और अब तो जेम्स इस बात से खुश हो रहा था कि उसके द्वारा हथियाए गए सारे रोबोट्स अब उसके पास ही आ चुके हैं, तो अब जेम्स इन रोबोट्स की सारी प्रोग्रामिंग चेंज करके उन्हें अपने लिए यूज करेगा। जेम्स के विजन एकदम क्लियर थे कि उसे डेविड से बदला जो लेना है। लेकिन तभी अचानक उस कंटेनर के अंदर मौजूद एक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उसने तो बिना देरी किए जेम्स और उसके लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इस हमले में जेम्स के कई सारे सिपाही मारे
जाते हैं। उस कंटेनर के अंदर से तो अब एक खतरनाक रोबोटिक सोल्जर बाहर निकलता है जो उन सभी के ऊपर हमला कर रहा था। हालांकि जेम्स के सारे सोल्जर्स उस रोबोट के ऊपर गन की मदद से फायर तो कर रहे थे, लेकिन रोबोट के ऊपर तो कोई भी बुलेट्स का असर ही नहीं होता। ये चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उस रोबोट ने एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। चारों तरफ एकदम से भगदड़ मच गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सिंडी जॉन और माइक को वहां से आजाद कर देती है और वो तीनों जल्द से जल्द वहां से निकलते हुए अपनी स्पेसशिप के अंदर आ गए थे। जॉन तुरंत ही अपनी स्पेसशिप और उससे लगी हुई कंटेनर्स को एक्टिवेट करता है और बाहर निकल जाता है। उन पायरेट्स की स्पेसशिप में रोबोट की वजह से लगातार ब्लास्ट होने के कारण एक चेन रिएक्शन होता है जिससे कि सारे सिस्टम्स खराब हो चुके थे और अब उन पायरेट्स की बड़ी सी स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक बात अच्छी हुई कि जॉन की स्पेसशिप में जो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा था वो पायरेट्स की स्पेसशिप में रहने के कारण कंट्रोल में हो जाता है, यानी कि अभी भी उनके पास चांस था कि वो पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे ही वो तीनों लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे तभी वो नोटिस करते हैं कि वो कंटेनर को अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई थी कि वो कंटेनर तभी हटेंगे जब उनकी लोकेशन पृथ्वी पर होगी। अब यहां जॉन और उसके दोस्तों को एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि जेम्स भी उनकी स्पेसशिप में आ चुका है जो काफी बुरी हालत में था। वो तीनों जेम्स के पास चले गए जिसमें कि जेम्स समझा रहा था कि प्लीज इन सारे कंटेनर्स को पृथ्वी पर मत लेके जाओ क्योंकि इन कंटेनर्स के अंदर इतने खतरनाक रोबोट्स हैं जो कि अब एक्टिवेट होने वाले थे और अगर एक बार ये पृथ्वी पर पहुंच गए तो डेविड उनकी मदद से बहुत सारी खतरनाक चीजें करेगा, पृथ्वी के लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं रह पाएंगे। जेम्स तो अब जॉन को एक रिमोट देता है जिसे दबाने के बाद वो सारे रोबोट्स एकदम से डीएक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए सभी रोबोट्स को एक साथ एक जगह पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी रोबोट्स इस रिमोट के डिस्टेंस से दूर रहा तो वो कभी डीएक्टिवेट होगा ही नहीं और उसे खत्म करना भी एकदम नामुमकिन हो जाएगा। एक रोबोट तो पहले ही एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए अब सीक्वेंस के हिसाब से बाकी रोबोट्स भी कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, वो भी एक्टिवेट होने लगेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इन्हें पृथ्वी पर जाने से रोकना होगा। ये सारी बातें करते ही जॉन अब अपना दम तोड़ देता है, उसकी तो वहीं पर मृत्यु हो गई थी। वहीं अब हमें कंटेनर के अंदर दिखाया गया कि वो सारे रोबोट्स एक एक करके एक्टिवेट हो जाते हैं और अब लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं मेन स्पेसशिप की तरफ जहां जॉन, माइक और सिंडी मौजूद थे, क्योंकि उनकी बॉडी में जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं उनसे वो पता लगा लेते हैं कि लिविंग बींग्स कहां पर मौजूद हैं। ये पूरा मैकेनिज्म होता था इंसानों की हार्ट बीट्स को चेक करके और अब तो उनका टारगेट होता है सारे इंसानों को खत्म करना और अब तो वो खतरनाक रोबोट्स डायरेक्टली जॉन के सामने होते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे हमला करने के लिए। हालांकि जॉन के हाथ में जो जेम्स ने रिमोट दिया था वो उसे दबाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो दब ही नहीं रहा था। कुछ रोबोट्स को पता होता है कि ये रिमोट से वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, इसीलिए वो लगातार उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। सीक्वेंस वाइज अब धीरे धीरे सभी रोबोट्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे कि उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी और अभी एक साथ 4-5 रोबोट्स उन सभी के ऊपर हमला करने लगे थे। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी गलती जॉन से ये होती है कि लड़ाई करते समय उसके हाथ से वो रिमोट स्पेस में चला गया था और अब उसे रिकवर तो नहीं किया जा सकता, यानी कि एक वे था जिससे कि इन सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, वो भी ऑप्शन अब उनके पास बचा नहीं। लेकिन जॉन, सिंडी और माइक लगातार उन रोबोट्स को पीछे से ढकेलते हैं स्पेसशिप की तरफ जिससे कि वो मिरर्स को तोड़ते हुए अंतरिक्ष में चले जा रहे थे। यही तो एक टेक्निक बाकी थी जो उन्हें जिंदा रख रही थी उन सारे रोबोट्स के हमले से, पर अब उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट सारी कंटेनर्स की रोबोट्स एक्टिवेट हो चुके हैं और उनके साथ एक साथ लड़ाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जॉन अब डायरेक्टली माइक के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम सिंडी को पसंद करते हो, इसीलिए मेरा मानना यह है कि तुम एस्केपिंग पॉड में सिंडी के साथ बैठकर पृथ्वी पर चले जाओ जिससे कि एटलीस्ट तुम दोनों तो सुरक्षित रहोगे, यानी कि जॉन खुद की कुर्बानी देना चाहता था उन दोनों को बचाकर। सिंडी और माइक ऐसा तो करना नहीं चाहते थे लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। माइक और सिंडी उसी एस्केपिंग पॉट में बैठ जाते हैं और वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं पृथ्वी की तरफ, पर अब सारे रोबोट्स कंटेनर के ऊपर चढ़ते हुए स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे थे जॉन को खत्म करने के लिए। लेकिन जॉन के पास एक प्लान मौजूद होता है, उसने तो अपनी स्पेसशिप को उल्टा मोड़ लिया और उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ लेकर जाने लगा। वो तो पूरी स्पीड में अंदर घुसने लगता है जिससे कि वहां का प्रेशर काफी बढ़ने लगा और अब आग लगने लगी। इस लगातार बढ़ती हुई हीट के कारण सभी के सभी कंटेनर में मौजूद रोबोट्स जलने लग जाते हैं, यानी कि जॉन का ये प्लान काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था क्योंकि कई सारे रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। लेकिन खतरनाक चीज ये थी कि अगर जॉन ने कंटेनर को अपनी स्पेसशिप से दूर नहीं किया तो उसकी स्पेसशिप भी जलकर पूरा खत्म हो जाएगी। लेकिन जॉन पूरी कोशिश करता है क्योंकि स्पेसशिप को अर्थ का लोकेशन मिल गया था और
अब उसके पास परमिशन होती है कि वो कंटेनर को अलग कर दे। जॉन ऐसा करने ही जाता तभी अचानक उसके पास एक रोबोट आ जाता है जिसने कि जॉन को पकड़ लिया था और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जॉन भी अब उस एआई रोबोट से लड़ाई करने लगा था क्योंकि अगर उसने जरा भी देरी की तो ये स्पेसशिप अर्थ की एटमॉस्फेयर में उतनी ही तेजी से जाएगी जितने में उनकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाए। यहाँ माइक और सिंडी जो कि अर्थ की जमीन पर पहुंच चुके थे वो लगातार देख रहे होते हैं जॉन की स्पेसशिप को जो नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक जॉन की पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस बात से माइक और सिंडी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और उन्हें लगने लगा कि जॉन नहीं बच पाएगा। पर तभी अचानक उस स्पेसशिप के फटने से पहले ही उसके अंदर से एक पैरासूट बाहर निकलता है। उस पैरासूट से और कोई नहीं बल्कि जॉन ही बचकर नीचे आ रहा था, यानी कि वो रोबोट को खत्म करने में कामयाब हो गया और अब थोड़ी देर के अंदर वो अपने दोनों साथियों से भी मिलता है। माइक और सिंडी भी जॉन को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और अब ये बातें चारों तरफ फैल चुकी थी कि इन तीनों सोल्जर्स ने हमारी पृथ्वी को खतरनाक रोबोट से बचाया है। अगर वो हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में आ जाते तो सारे इंसानों को खत्म कर देते। इसी वजह से अब जॉन, माइक और सिंडी काफी ज्यादा फेमस हो गए थे सभी लोगों के बीच। अब यहाँ सिंडी माइक और जॉन को अपनी मदर के पास लेकर आती है जो काफी बीमार थी, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुकी होती है। जॉन ने जैसे ही सिंडी की मदर को देखा तो वो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि सिंडी से ज्यादा ब्यूटीफुल तो उसकी मदर थी। तब जाकर पता चला कि कई साल पहले जब सिंडी पैदा होने वाली थी तो उसके जन्म देने के बाद उसे एक बीमारी हो गई। तब से ही डॉक्टर्स ने सिंडी की मदर को क्रायोस्लीप के अंदर बंद करके रखा था जिससे कि उनकी उम्र कभी बड़ी ही नहीं, और आज देखो सिंडी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल उसकी मदर है। जॉन तो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और अब शायद वो सिंडी को छोड़कर उसकी मदर से प्यार करने लगा है। थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पर प्रेसिडेंट और उसके सारे आदमी आते हैं उन तीनों से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट तो काफी ज्यादा खुश थे कि इन सोल्जर्स ने हमारी पृथ्वी को बचाया, पर सबसे चौंका देने वाली बात ये होती है कि वो प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि डेविड ही था जिसने कि इन सारे रोबोट्स को पृथ्वी पर लाने के लिए कमांड दिया होता है। दरअसल डेविड ने तो पुराने वाले प्रेसिडेंट की हत्या करके खुद ही उनकी पोस्ट ले ली थी, और अब तो ये बातें किसी को नहीं पता है कि पूरे खतरनाक रोबोट्स के हमले के पीछे ये डेविड ही था। डेविड ही उन रोबोट्स को जेम्स से छीनकर पृथ्वी पर लाना चाहता था, लेकिन अब डेविड जॉन और उसके बाकी सारे दोस्तों को पैसे का लालच देता है कि वो किसी को भी इन रोबोट्स के बारे में ना बताए। एक तरीके से जॉन, माइक और सिंडी को अंदाजा तो हो गया था कि जरूर ये सारी चीजें डेविड ने ही कराई होंगी, क्योंकि कुछ समय पहले जेम्स डेविड के बारे में ही बात कर रहा था कि उसने उसे धोखा दिया है। डेविड ने जॉन को एक ब्रीफकेस से भरा हुआ पूरे पैसे दिए जिससे कि वो अपना मुंह बंद रखे। हालांकि माइक और सिंडी इस बात के लिए मना कर रहे थे, पर जॉन ने कहा कि हमें ये पैसे ले लेने चाहिए और वो उसे ले भी लेता है। डेविड अब पता नहीं क्यों जल्द से जल्द अपने सभी आदमियों के साथ वहाँ से चला गया था। तब जाकर माइक जॉन पर चिल्लाता है कि आखिर तुमने ये पैसे क्यों लिए। जॉन ने बताया कि मैंने तो ये सिर्फ पैसे तुम्हारे और सिंडी की शादी के लिए लिए हैं क्योंकि तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लेकिन माइक बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी था और उसे ये बेकार के पैसे नहीं चाहिए, वो अपनी मेहनत से सारे पैसे कमा लेगा और फिर सिंडी से शादी करेगा। इसीलिए अब माइक ने तुरंत ही उस ब्रीफकेस को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की के ठीक नीचे डेविड मौजूद होता है जो अपनी कार में बैठा हुआ था। तभी वो एक रिमोट निकालता है जो कि एक बॉम्ब का बटन था। उसने तुरंत ही उस बटन को दबा दिया जिससे कि ब्रीफकेस जब डेविड के कार के ऊपर गिरा तो वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। माइक, जॉन, सिंडी और उसकी मदर ये नजारा देखकर एकदम शॉक हो चुके थे कि आखिर ये कैसे हो गया। तब जाकर पता चलता है कि डेविड ने उस ब्रीफकेस के अंदर पैसे नहीं बल्कि बॉम्ब रखा था उन सभी को मारने के लिए। लेकिन अब तो ये वार उसके ऊपर ही उल्टा हो चुका था जिससे कि डेविड इस धमाके में मारा गया, और हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।